हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हेल्थ ओके टच में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीवर के एक बहुत अच्छे टॉनिक फॉर लीव डीएस सिरप के बारे में। जानेंगे इसके यूज़, डोज, साइड इफ़ेक्ट और इसके फ़ायदों के बारे में पूरी जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्राइस की। तो दोस्तों, ये जो आप मेरे हाथ में 200 ml की शीशी देख रहे हैं, इसकी कीमत दोस्तों ये 110 रुपये। और दोस्तों, इसको फॉर्च्यून बायोफार्मा द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। तो इसके अंदर अजवाइन है, काली मिर्च है, बड़ी हरड है, पुदीना है, सफ़ेद जीरा है, सौंठ है, पिपली है, सौंफ है, आंवला है, भेड़ा, नागरमोथा, वीरदांग, नोसादर, चित्रक, कलमी सोडा आदि ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर इसको बनाया गया है, जो लीवर के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसके यूज़ की। तो दोस्तों, अगर आपको भूख बहुत कम लगती है, आपके लीवर में दिक्कत है, आपका लीवर ख़राब है, तो दोस्तों इस कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको एसिडिटी रहती है, इस कंडीशन में भी आपको ले सकते हैं। और यदि आपको पीलिए की शिकायत है, जॉन्डिस की शिकायत है, तो दोस्तों आप इस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपकी भूख भी बढ़ाएगा और आपका वज़न भी अच्छे से बढ़ने लगेगा। दोस्तों, ये लीवर का बेस्ट सिरप है। और दोस्तों, यदि आपको अपच की शिकायत है, आपका वज़न नहीं बढ़ता है, तो दोस्तों इस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से बनाया गया है। हम किसी भी दवाई को रिकमेंड नहीं करते हैं और ना किसी दवा का प्रचार करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसके डोज की। तो दोस्तों, अडल्ट इसको 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद ले सकते हैं, या अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका इस्तेमाल करें, खुद की मर्जी से इसका इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें, उसी के बाद ही किसी भी दवा का इस्तेमाल करें, खुद की मर्जी से किसी भी दवा का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो दोस्तों, वैसे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि एक आयुर्वेदिक दवा है, लेकिन इसके इस्तेमाल से आपको कोई साइड इफेक्ट दिखे तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑन करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।